चलिए बढ़ेंगे आगे। एक अगला सवाल ईमेल के जरिए है, उत्तम कुमार जी का सवाल है। इन्होंने मेंशन किया था कि रेलवे एम्प्लॉई हैं और इनका सैलरी अकाउंट एसबीआई में, नेट सैलरी बता रहे हैं करीब करीब 29,700, लेकिन अभी हाइक होने वाली है, 30,000 के आसपास हो जाएगी। 20 लाख तक का एक फ्लैट इन्होंने देखा है, उस पर कितना लोन मिलेगा? और साथ ही इन्होंने मेंशन किया कि क्या रेलवे एम्प्लॉयज के लिए क्या कुछ प्रावधान है कि उनको कुछ कम ब्याज दर पे इनको लोन मिल जाएगा एसबीआई से। पंकज, देखो होम लोन की क्राइटेरिया के लिए जब एलिजिबिलिटी तय होती है तो दो चीज होती है। एक तो होती है कि प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको 90% तक इनको मिल सकता है क्योंकि लोन 20 लाख के नीचे का है, और दूसरी होती है रीपेमेंट कैपेसिटी। तो उनकी जो इनकम है वो 30,000 है। नॉर्मली बैंक, मैंने पहले भी बताया कि 40-50% आपकी इनकम जो है उसको ईएमआई के तौर पे मानती है कि इतना आप भर सकते हैं आपके पास जितनी भी लोन है वो सब मिला करके। एज्यूमिंग कि इनके पास और कोई लोन नहीं है तो 14,000 से 15,000 इनके पास अवेलेबल है ये लोन सर्विस करने के लिए। और ये माना जाए कि अगर ये 20 साल की लोन लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.25 है तो 14 लाख पे 1,000 का ईएमआई आता है, तो 14-15 हजार का इनकी कैपेसिटी है भरने की, एलिजिबिलिटी है, तो 14 से 15 लाख की लोन इनको मिल सकती है। ठीक है। हाँ, हालांकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो एलिजिबिलिटी 18 लाख की बनती है, मगर इनकम के हिसाब से देखा जाए तो 14 लाख की बनती है। ठीक है। तो अगर इनको 18 लाख करना है, पंकज क्योंकि उत्तर में आपने उम्र यहाँ पे मेंशन नहीं करी थी, तो लोन की जो अवधि है आपकी रिटायरमेंट पर कितनी एज रह गई है उस पर भी डिपेंड करेगा। आज का आखिरी सवाल लेंगे मनीष पुणे से।